नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के गेलानाथपुर के समीप बने नहर पुल में कुरावली की तरफ से आ रहे तेज गति से थ्री व्हीलर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर जाने से थ्री व्हीलर चला रहे चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को जिंदा समझ आनन फानन में कुरावली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि जनपद एटा के थाना एलीगंज और क्षेत्र ग्राम भरतपुर निवासी शीशराम उर्फ मुखिया का 28 वर्षीय पुत्र राजकुमार अपनी ननियाल एक शादी समारोह में शामिल होने बीकापुर आया हुआ था, जो अपने मामा के परिजनों का थ्री व्हीलर लेकर कुरावली बाजार करने के लिए आया हुआ था। दोपहर 2:15 के लगभग वह अपनी नया बाजार कर वापस जा रहा था, सभी गेलानाथपुर में अनियंत्रित होकर थ्री व्हीलर गिर गई, जिसकी घटना स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरावली पर तैनात चिकित्सक ने चालक को मृत घोषित करने के बाद मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जो ना थ्री व्हीलर पलटने से एक युवक की मौत हो गई है, क्या पूरा मामला है सर? मामला ये जो व्यक्ति का नाम राजकुमार है, 30 साल उम्र है, बीकापुर का रहने वाला है। तेज गति के साथ जो टेम्पो था अनियंत्रित हो गया, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। इसकी यहाँ पर जो है इमरजेंसी में तो ब्रॉड डेड हो गई थी, मतलब मौत हो चुकी थी सर।